Morning, Assistant Professor RKIT College, Mustada Pranav. Today we will discuss about the Mucoadhesive drug delivery system. जैसे इसका नाम बता रहा है Mucoadhesive, यानी कि म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एडहेयर होती है, यानी कि उसके ऊपर चिपकती है। जो हम ड्रग रिलीज कराते हैं उसको बोलते हैं Mucoadhesive ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी कि हम ड्रग को इस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे कि हमारी जो ड्रग है उसके साथ हम एक एडहेरेंट मिलाएंगे जो कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके और धीरे धीरे हमारी जो ड्रग है उसको रिलीज करेगा। यानी कि ये काम करते क्यों है? फॉर द प्रोलंगेबिलिटी ऑफ द ड्रग और टू डिक्लाइन द डोजिंग फ्रिक्वेंसी। इसके बेसिकली तीन प्रिंसिपल होते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। भाई ऐसा क्या है Mucoadhesive ड्रग डिलीवरी, होता कैसे, किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है? सबसे पहले बेस्ड होती है जो हमारा ड्रग है, यानी कि जो Mucoadhesive है उसके अंदर जो हमने डाला है ड्रग के साथ उसकी, और जो हमारे जो हमने मेम्ब्रेन है, यानी कि ये मान लीजिए हमारी कोई Mucoadhesive टेप है, इसके ऊपर जो हमने ड्रग ली है यहाँ पे, इसके बीच का और इसके बीच का कॉन्टैक्ट। सबसे पहली बात तो इनका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस पैच के ऊपर अगर हम डिलीवरी वो करेंगे तो उसके साथ इसकी कंपेटेबिलिटी देखते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो मैटिंग एजेंट डालते हैं, हमने कई बार देखा होगा कि भाई कुछ चीज़ों को ना हम गिला करके लगाते हैं ताकि वो चिपक जाए। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं इन एंशियंट ईयर्स। उसके बाद जो दूसरा, ये तो क्या हमारा पहला प्रिंसिपल, यानी कि जो ड्रग का और Mucoadhesive लेयर का और उसके बीच का जो कॉन्टैक्ट है। दूसरा, जो दूसरा प्रिंसिपल डिपेंड होता है कि भी जो हमारी ड्रग है वो कितनी पेनिट्रेट करती है, यानी कि अगर हम इसके साथ चिपक तो गई ड्रग हमारी, इसके साथ अपने अटैच तो करती, इसके साथ अटैच तो करती, लेकिन क्या बोल रहा है हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर भी रही है अब नहीं कर रही है। तो दूसरा प्रिंसिपल, दूसरी चीज होती है इसके ऊपर डिपेंड। तो तीसरा प्रिंसिपल होता है वो होता है लो बोन फॉर्मेशन या वीक बोन फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको, वीक बोन फॉर्मेशन। यानी कि जो हमारी ड्रग है वो हमारे टिश्यूज के साथ, पहले तो टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करेगी, सबसे पहले तब ये देखेंगे हमारा जो हम जो फॉर्मुलेशन है उसके साथ हमारी ड्रग अटैच हो रही है। दूसरा कि हमारी कितनी पेनिट्रेट कर रही है। तीसरा कि उसने अंदर जाके जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो हमारे लिक्विड्स हैं उसके साथ वीक बिना बनाया है कि नहीं बनाया। अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो ये हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम फेल है। यानी कि हमारा इसका मेन मोटिव क्या है कि म्यूकस के साथ ड्रग को अटैच करके जो हमारी इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके साथ क्या होती है हमारी जो ड्रग है वो अडेयर होके और सस्टेन तरीके से अपनी ड्रग को रिलीज करती रहती है। थैंक यू।